तो बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग। लंच करने तक का टाइम नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, आज हमारी सांगला वैली के मौसम में आई भारी गिरावट। आप लोग देख सकते हैं सांगला वैली की हसीन वादियां यानी किन्नर कैलाश की हसीन वादियां धुआंधार, जिनमें स्नोफॉल भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है क्योंकि पिछली रात को बहुत भारी तूफान चला है सांगला वैली में। ठंडी हो गई है बिल्कुल एकदम वादियाँ और सांगला वैली। तो आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में यहाँ का तापमान आप लोगों को बताया था 22 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन आज का जो तापमान है वो है 11 डिग्री। तो वैसे सुबह जैसे तो 15 डिग्री भी था, लेकिन अभी क्योंकि बादल हो गए, पूरे चारों तरफ बादल ही बादल हो गए, तो अभी पूरा 11 डिग्री हो गया और ये अब गिरता ही जाएगा तापमान। ये तो अपनी दुकान के पास हूँ, ये देखिए नालंदा डेली नीड्स। सीधे अक्षर आ रहे नजर कि उल्टे आ रहे, ये नहीं पता मुझे, शायद आ ही रहे होंगे सीधे अक्षर नजर। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ YouTube के लिए बड़ी वीडियो, तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट की जाए जब हमारी सांगला वैली की हसीन वादियाँ धुआंधार हो गई है। तो बनता ही है वही, कभी कभी आप लोगों को ये सब नज़ारा दिखाना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को अच्छा भी लगता है। और हमारी सांगला वैली में टूरिस्टों की बात करूँ तो वही बहुत भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा सीजन है मई और जून, तो टूरिस्ट सीजन है। उसके बाद तो बरसात पड़ जाएगी, फिर रोडों का भी कुछ पता नहीं रहता है कि कब लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर रोड अभी भी थोड़े ऐसे, मतलब जो रोड है ना वो थोड़े अभी खराब ही है। और ये देखिए, आप लोगों को थोड़ा बैक कैमरा करके दर्शन करवा देती हूँ किन्नर कैलाश के, जो अब नजर नहीं आ रहा है। धुआंधार हो चुकी है वादियाँ और हल्की हल्की बूंदाबांदी बर्फ की नहीं बारिश की लग गई है। और साथ में देख सकते हैं एप्पल के पेड़ जो हिल रहे हैं हवा से। ये देखिए, हवा चल दी की झंडे तेरे झूल दे माँ, हवा चल दी की झंडे तेरे झूल दे माँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सांगला कंडे की हसीन वादियों में बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ज़मीन पर भी आ चुकी है और कुछ इस तरह से तूफान भी चला हुआ है। तो ये है दुकान का नज़ारा और ये है रोड का नज़ारा। तो दुकान में आया है बहुत सा सामान, सबसे पहले कर लेती हूँ इसको सेटिंग। कुछ तो मैं कर भी चुकी हूँ, 3 दिन से सेटिंग कर रही हूँ लगातार से, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। और मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड आते हैं, वो भी करते हैं, बहुत सा काम करके जाते हैं वो, तो मेरे लिए थोड़ा सा सहारा हो जाता है जब भी वो दुकान में आता है ना यहाँ पे, क्योंकि 9 बजे तक मैं किचन का काम करती हूँ घर का, और वो यहाँ 9 बजे तक मेरी दुकान का काम कर रहे होते हैं, उसके बाद वो अपनी दुकान में चले जाते हैं और मैं अपनी दुकान में आ जाती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये रूटीन हो रही है आजकल। नहीं तो जब गिन्नी वगैरह होते थे, अंशु वगैरह होते थे, तो वो बीच बीच में बैठ जाते थे यहाँ पे, जब उनकी छुट्टी होती थी तब मैं उनके सहारे से अपना कोई और काम कर लिया करती थी पूरा। हद तक मैं कर चुकी हूँ दुकान की सेटिंग। ये देखिए टन टना, तो बहुत सा सामान आ चुका है एक बार फिर से मेरी दुकान पर। और हमारे किन्नौर के किन्नौरी राजमा मैंने आप लोगों को बताया है शॉर्ट वीडियो में, तो ये देखिए ये है किन्नौर के चित्रा राजमा। तो इसकी सेल के लिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो उसकी ऑनलाइन खर्चा है, पे करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए आप लोगों को, पोस्ट का खर्चा जो करना पड़ेगा वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे आके ही लेने ठीक रहेंगे ये। तो ये तो आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे राजमा, फिर उसके हिसाब से अगर आप लोगों को बाय पोस्ट में ये भेजती हूँ। तो बहुत से लोगों के व्हाट्सएप में मैसेज आए हैं जिनका कुछ एक का रिप्लाई मैंने किया है, कुछ एक का मैं नहीं कर पाई, और कॉलिंग तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो कॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को अगर ये चाहिए तो सीधा आपको ये मैसेज करना पड़ेगा कि हमें किन्नौरी राजमा चाहिए, प्लस मेरा वहाँ प्रोफाइल में वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है फ़ोन पे का, तो उसमें आप लोग पे कर सकते हैं, और साथ में अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और पिन नंबर।
तो वो सब भेजिए, मैं वही आप लोगों का जो मैसेज है वही जल्दी से जल्दी उठा पाऊँगी, वरना मैं सच में ही आप लोगों का कोई मैसेज नहीं उठा पाऊँगी। अगर आप लोग इस तरह से कोई मैसेज करते हैं कि हेलो हाय करने के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं आप लोगों का मैसेज रिसीव नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोग सिर्फ उसमें एक यही बात मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी के लिए ही वो स्पेशल फ़ोन अपने पास रखा है, वो नंबर अलग से मैंने लिया है, ताकि मैं आप लोगों तक हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट भेज सकूँ, जो आप लोगों को हमारे यहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं तो बहुत से लोगों को चाहिए होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें वहाँ की लोकल ऑर्गेनिक चीज़ें भेजिए, चाहे चार्जेस जो मर्जी पे करना पड़े हम करेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा बोलते हैं, और कुछ लोगों को महंगा भी लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना तो 200 रुपये में मिलता है, इतना मिलता है, तो यहाँ पर भी 200 रुपये में राजमा मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 200 रुपये में नहीं है, लेकिन ये किन्नौर के नहीं हैं, ये किन्नौर के हैं जिनको लेने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। तो किन्नौरी राजमा बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि इसको खाने से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत कम रहती है, होती नहीं है। तो इसको आप लोग बेझिझक होके खाइए। बहुत से लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी रहती है, तो वो चीज़ भी इसमें नहीं आती, काउंट नहीं की जाती है। वैसे अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जिसको भी यूरिक एसिड वगैरह रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये नहीं कि वो सब कुछ ही छोड़ दे खाना, थोड़ा थोड़ा सब खाना ही चाहिए, ताकि उसकी जो और प्रॉब्लमें हैं शरीर में, और प्रॉब्लम तैयार ना हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा सब खाना ही चाहिए। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल मीठा बिल्कुल ही नहीं खाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए, ताकि उसके शरीर में बाकी और चीज़ों की कमी ना हो जाए। तो इसलिए हमें मोटी दालें भी और पतली दालें भी सब खानी चाहिए, मिक्स बराबर करके खानी चाहिए। तो ये है किन्नौरी राजमा, अगर किसी को चाहिए तो वो यही मैसेज करे कि हमें ये चाहिए, और मेरा स्कैनर वहाँ पे जो प्रोफाइल है वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है, तो आप लोग वही मैसेज करें, मैं उन्हीं का ही मैसेज रिसीव करूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक तो आजकल सीजन है, ऊपर से इतना काम, इतनी भाग दौड़ है कि पूछो मत। आजकल दुकान में इतना काम है कि लंच करने तक का टाइम नहीं लगता है, तो दुकान पर ही लंच लेके आ गई थी, मैं खा भी चुकी हूँ, अब सिर्फ लस्सी पी रही हूँ। लस्सी भाई, सांगला वैली की लस्सी, और ऊपर से हमारी काड़ू रानी की लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है, यम्मी, मजा आता है, बहुत अच्छी लग रही है। लस्सी पीने से ना खाना भी अच्छे से हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पीनी चाहिए वैसे लस्सी, दिन में एक दो बार तो पी लेनी चाहिए, लेकिन मैं मीठी लस्सी नहीं, खट्टी लस्सी की बात। तो ये देखिए जी, बोलते बोलते बारिश भी स्टार्ट हो गई है सांगला वैली में, भयानक वाली, और यहाँ बढ़ गई अब ठंड, टेम्परेचर गिर चुका है, जिस वजह से मैंने लगा दिया है हीटर, बीच बीच में मुझे हीटर भी सेकना पड़ रहा है क्योंकि ठंड हो गई है। क्यों सांची? और दुकान में आ गए नन्ने मुन्ने बच्चे मेरे कस्टमर। तो ये सच बात है कि जब हमारी सांगला वैली में ना बारिश हो जाती है तो मेरे को तो हीटर लगाना पड़ता है, क्योंकि ठंड हो जाती है यहाँ पे, सच में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को पता ही है कि मेरी दुकान पर मेरे फॉलोवर मुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आज का सीजन भी है घूमने का भी, और घूमने के बहाने वो मुझसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि मेरी दुकान रोड पर ही है और यहीं से ही इंडिया के पहले गांव छितकुल की ओर जाने का रास्ता भी है। तो एक और फॉलोवर आ गए हैं, तो अभी वो मेरी दुकान पर ही हैं, तो चलिए मिलाती हूँ आप लोगों को उनसे। ये देखिए, नमस्कार जी। नमस्ते। कहाँ से आए आप? मैं कर्नाटक से, मंगलूरु नाम का एक गाँव है। अच्छा, वो कोस्टल टाउन है, अपने सी पोर्ट है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, जहाज से भी आते हैं जाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। अच्छा जी। और एकदम गर्मी है वहाँ, यहाँ जैसी सर्दी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आज तो यहाँ पे थोड़ी ठंड हो गई है, हमारी ठंड हो गई है, 6 डिग्री था आज सुबह, मैंने देखा 6 डिग्री था, बहुत अच्छा मौसम था। और सुबह में जब वॉक आया मैं यहाँ, तब आपके पतिदेव का दर्शन हो गया, उनसे कुछ बात किए, और वो मेरे को ये एप्पल पेड़ के बारे में सब समझाया उन्होंने। अच्छा जी। क्या क्या सब वैरायटी है। हाँ जी। और ये गोल्डन एप्पल। हाँ जी। और ये रेड क्या बोलते हैं उसे, रॉयल गाला। हाँ गाला। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में बताया। आपका ब्लॉग बहुत फॉलो करता हूँ मैं। हाँ जी, थैंक यू। हर एक, क्योंकि हिमाचल से हमारा
ये है क्या जुड़वा संबंध है। हाँ जी, हम कुंकणी लोग है। हाँ जी, कुंकणी सारस्वत है। हाँ जी, हम यहाँ से आए थे, नॉर्थ से आए थे। अच्छा जी, और हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग। और आप एकदम घरेलू जैसे बनाते हैं। हाँ जी, हमको एक्टिंग जैसा यही महसूस ही नहीं होता। थैंक यू जी, इतना नेचुरल बोलते हैं आप और सीधे क्या बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। हाँ जी, इसीलिए मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू। मैंने एक भी कमेंट नहीं किया आपके ब्लॉग पर। अच्छा, क्योंकि सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा, ये मेरा ब्लॉग है, यूट्यूब पेज है, फंटास्टिक फीलिंग। अच्छा, इसमें मैं स्टोरी बनाता हूँ। मैं जरूर फॉलो करूंगी। आपका जो स्टोरी अब बनाऊंगा ना अभी, छोटा सा स्टोरी वो भी डालूंगा उसमें। ठीक है, वो कन्नड़ा में होगा लेकिन आपसे बातचीत तो हिंदी में होगी। ठीक है, जरूर। हाँ जी, और सब कुछ मैं बता दूंगा सांगला के बारे में। आपने जो कुछ भी हमें दिखाया है वो सब घूम के मैं देख के एकदम क्या बोलते हैं, चैन मिलेगी, सुकून मिलेगी दिल को। अभी सुबह में जो वहाँ गया था गंगा रंग। हाँ जी, गंगा रंग। वहाँ जाके मंदिर स्नान किया आपने वहाँ? स्नान नहीं किया। स्नान नहीं, नहीं मैंने ये पानी पिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो हम खुद भी मतलब पंच स्नान ही करते उस जल से। अच्छा, पूरा स्नान नहीं कर पाते। नहीं कर, छींटे लेते। हाँ जी, छींटे लेते सिर्फ, और कुछ भी वही स्नान बोलते हैं हम, क्योंकि पूरा स्नान नहीं कर पाते। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून मिला यहाँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई जिस तरह से आपने अपने विचार मेरे सामने यहाँ मेरे कैमरे में रखे हैं, मेरी वीडियो में लोगों के पास रखे हैं। तो दिल से कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने भी अपने दिल से एक एक बात निकाली है कि आप कितनी पसंद करते हैं मेरी वीडियो को और मेरी नेचुरलिटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ऐसी बातों को बोलते हुए मेरी आंखें भी भर आती है, मैं सच बोलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मेरी बहन की एक लड़की है। अच्छा, उसका फैमिली भी है, उसका विचार और आपका विचार मिलते जुलते हैं, इसीलिए मेरे को लगा कि हम ये है क्या रिश्तेदार है। हाँ जी, दिल से रिश्ता होता है हमारा। हमारा संबंध था बहुत पुराना। अच्छा, इसीलिए अच्छा लगा मुझे। अच्छा, और सोचा कि यहाँ आऊंगा, आपसे मिलूंगा, कुछ चार बातें करूंगा। हाँ जी, अभी अभी चिटकुल जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, बाद में आके फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। हाँ, और जो भी छोटा मोटा आइटम लेके आए हूँ आपके लिए। हाँ, अच्छा जी, वो पसंद होगा शायद आपको। मैंने हाथ से भी बनाया एक दो आइटम। अच्छा, वो भी लेके आये। सब अपने गाँव का ये है, स्पेशलिटी है। थैंक यू। और आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं इंक्वायरी डालूंगा, मेरे को चाहिए या मेरे रिश्तेदारों को चाहिए। अच्छा, फ्रेंड्स को। हाँ जी, तो ऑर्डर मैं आपको भेज दूंगा। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप यहाँ पे आए, मुझसे मिले और अपने विचार मेरे सामने रखे और सबको आपने बताया। तो दिल से हमारा अटैचमेंट, आप लोगों को पता है मेरे जितने भी फॉलोवर है दिल से मुझे चाहते हैं। सो थैंक यू आपका। और आप इतना और भी कुछ लाए हैं वो भी मेरे लिए, मतलब मैं क्या बताऊँ अब आपका, कैसे धन्यवाद करूँ। मेरा नाम बताऊंगा मैं। ठीक, मेरा नाम है रजनीकांत। रजनीकांत जी, ठीक है। रजनीकांत मेरा असली नाम है। कुड़पी राज मेरा ब्लॉगिंग नाम है। अच्छा, कुड़पी राज KUDPIRAJ। कुड़पी राज ढूंढे तो आपके फॉलोअर लिस्ट में मिलेगा मेरा नाम। अच्छा जरूर। और ये नाम से मैं किसी को, ठीक है, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये फ्रंट कैमरे से थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं इनकी कैप में भी, क्या नाम बोला आपने? फंटास्टिक फीलिंग्स। फंटास्टिक फीलिंग्स, यस। तो आप लोग इनके चैनल को भी फॉलो कीजिए। ये काजू के पकौड़े है। अच्छा जी, ये अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा जी, मतलब मेरे बीवी ने बनाए है। अच्छा जी, ये मैंने बनाए, इसमें कुछ भी नहीं, ये केला काट के धूप में डालना, सुखाना। अच्छा, सन ड्राइड बनाना बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सुकेली बोलते हैं, सुकेली। अच्छा जी, तो दिखाइए, दिखाइए मेरे को केला मतलब। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये ड्राई फ्रूट यानी कि काजू के पकौड़े हैं एक तरफ, और ये इस तरफ है केले के चिप्स बोलते हैं इनको। ये केले के सूखे केले, सूखे केले, सुकेली बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये केले के चिप्स और ये काजू के पकौड़े और साथ में इतना कुछ लेके। कमर्शियल आइटम है ये। अच्छा, ये बनाना चिप्स है। बनाना चिप्स। अच्छा, केला से एक बनाना आता है, उसका नाम है नेंद्रा बनाना। अच्छा जी, उसे बनाते हैं स्पेशल चिप्स है। अच्छा जी, और नारियल तेल में तला है। नारियल तेल में, वाओ। तो आपके वहाँ पे नारियल तेल सबसे ज्यादा होता है, उसकी पैदावार। हाँ जी, अपना फेमस मैसूर पाक।
अच्छा का। अच्छा जी, ये तो मैं ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैसूर नहीं खाया, नहीं खाया कभी, नहीं खाया। गए थे ना, गए थे, लेकिन ये हमें पता नहीं था। केले के चिप्स वगैरह हमने खाए, लेकिन ये पता नहीं था हमें, नहीं तो हमने खाना था जरूर, क्योंकि अपने अपने एरिया का अपने आप को ही पता होता है ना। हाँ, तो जो भी अपना स्पेशलिटी है अपना गांव का वो लेके आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप इतने दूर से आए, मैं बोल रही हूँ आप एक छोटा सा। वडोदरा में मेरा दोस्त मिल गया स्टेशन में। हाँ जी, वो इतना सारा आइटम्स लेके आया मेरे लिए। अच्छा, वो भी भारी हो गया। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि बहुत प्यारा गिफ्ट मेरे लिए मेरे फॉलोवर लेके आ गए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो इनके लिए मैं जरा पानी दे देती हूँ पीने के लिए, और ये भी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम सब सेम ही है। हाथ में लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरी दुकान ना थोड़ी रफ एंड टफ है। आपने कहा ना कि मैं कुछ भी बनावटी नहीं करती हूँ। धन्यवाद जी। कोई बात नहीं जी, पीजिए मीठी मीठी पानी, मीठा मीठा सांगला वैली का पानी पीजिए आज, एकदम नेचुरल। ठीक है जी, तो चाय अभी ये पीते नहीं है, बोल रहे कि पहले छितकुल जाके आएंगे, उसके बाद आके चाय पियेंगे, तो बाद में इनको चाय पिलाऊंगी मैं, अभी ये पानी पियेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे फॉलोवर ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, केले के चिप्स, ये केले के चिप्स हैं, ये देखिए और ये केले के पता नहीं पकौड़े जैसे हैं। तो ये तो मैं जब हम लोग ट्रिप पे गए थे ना, तो ये वहाँ पे मैंने खाए हैं। तो अभी मैं पता है क्या खाऊंगी जो मैंने नहीं खाया है, कर्नाटक की चीज़, ये है काजू के पकौड़े। ये काजू के पकौड़े हैं और ये वहाँ की मिठाई है। ये देखिए, बताया ना मैंने आप लोगों को, ये वहाँ की मिठाई है। तो मैं इसको भी खा लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ कि आखिर है कैसी। खोल रही हूँ अभी। मिठाई, मीठा खाने की ना मैं बड़ी शौकीन हूँ। आप लोगों को अगर एक बात बताऊँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, शुरू से ही मीठे की शौकीन रही हूँ। वाओ भाई वाओ, ये कौन सी बर्फी पेड़ा आ गया। ये देखिए ओए भाई, खतरनाक है सच में। खुशबू इतनी अच्छी है ना, वाओ, एकदम यम्मी। लगता है कि आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, आप लोग उसी पानी से काम चलाइए। भाई मेरे फॉलोवर ने मुझे भेजी है, सॉरी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत दूर से आई है ये, कर्नाटक से आई है ये मिठाई, और इसके साथ ही मैं पकौड़े भी टेस्ट कर लेती हूँ। किससे फाड़ू, पैन से ही इसको फाड़ती हूँ। ये देखिए, काजू के पकोड़े। वैसे काजू तो हम खाते हैं, लेकिन रोस्टेड काजू और इस तरह से पकोड़े बहुत कम खाते हैं, तो आज मैं खाऊंगी। वैसे खाए हैं, ऐसा नहीं कम खाते हैं, लेकिन ये पकोड़े कुछ और चीज है। ठीक है, वाओ, एकदम क्रुच क्रुच, बहुत अच्छे हैं, मजा आ गया सच में। ये चिग रहा है, यम्मी। तो ये दो पैकिंग तो मैंने खोल दी, ये वाली अभी नहीं खोलूंगी। ये देखिए, तो थैंक यू करना चाहूंगी मैं अपने उन फॉलोवर का जो कर्नाटक से आए हैं मुझसे मिलने के लिए, और मेरे लिए वहां की लोकल चीजें अपने हाथों से बना के लाए हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड भी करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।